आपको कह रहे गौ कसकर हैं, तो आप ड्राइवर को मारिए गाड़ी रुके, या टायर पे मारिए कि डायरेक्ट आपको कानून ये बना है, विधान बना हुआ है कि गौ रक्षक समझ के किसी को गोली मार दो। वो कहते हैं आप किसी अजनबी का 30 किलोमीटर तक पीछा नहीं करते अगर आपने ऐसा पहले नहीं किया हो। उन्होंने दो बार गोली चलाई, बैरियर तोड़े, उन्हें पता था ये कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरे को पढ़ने को बहुत शौक था, मैं अपने अपने सपने अपने बच्चों में देखा कि हमें न्याय नहीं मिला, तो वो न्याय चाहिए जो उसको कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा और कुछ भी हो, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा है। मुझे खुलेआम ना घूमे कि जैसे मेरा बेटा खोया, किसी और को बेटे को गोला चलते मार दे। गुमराह की है और जो रात को लेके गई, कहीं लेके गई, कुछ भी करी, इनको भी सजा होनी चाहिए। 23 अगस्त की रात 19 साल के आर्यन ने अपने दोस्तों भाई हर्षित और सागर, जिन्हें शैंकी भी कहा जाता है, कुलाटी और दो अन्य लोगों के साथ अपनी रेनॉल्ट डस्टर में ड्राइव कर रहे थे। 3:30-4 बजे मकान मालिक किशन गुलाटी आके मेरे लड़के का आवाज लगा रहे हैं, ओ अजय। तो अजय हम सब उछुक के उठे, भाई रात में इतना क्या बात हो गई। वहाँ से जब उठे तो वो क्या कह रहे हैं कि चलिए मेरे साथ पलवल चलिए। लड़का मेरा ना देखा और ताऊ पलवल के लिए निकल चुका स्कूटी लेके, अच्छा बड़ा वाला बीच वाला निकल चुका। जब नीलम चौक पे पहुँचा तो उसने बोला भाई पापा से नहीं पूछा हूँ मैं नहीं जाऊँगा, पापा से पूछा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो वो बोले सब मुझे बी के छोड़ दो। मेरा लड़का बीच वाला जो है यहीं लेटा होगा शायद अंदर, बीच वाला लड़का बी के छोड़ के मेरे गा के लेके गया। मैं आवरा देखा ताओ था किशन गुलाटी को, मैंने पूछा लगड़े हो, उनसे पूछा मेरे बेटे क्या हुआ है, बताइए असलियत बताइए क्या है। बोला गोली मार दी गई। मैं कहाँ है बेटा, कहाँ मेरा, हमें विश्वास नहीं पड़ रहा है। फिर बोले SSB हॉस्पिटल जो हो उसमें लेके आ रहे हैं। वहाँ पहुँचा तो कीर्ति शर्मा और हर्षित गुलाटी और वो सुझाता गुलाटी ये सब मेरे बच्चे को निकाल रही एम्बुलेंस से। एक मिनट भैया बना रहे हैं, ये एम्बुलेंस से उतार रहे हैं। हॉस्पिटल में अंदर गया, पूछा डॉक्टर से कि भैया मेरे बेटे क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे क्या हुआ है। बोला इनको गोली मार दी गई है। मैं 112 पे फोन करने चला हर्षित गुलाटी ने, क्या कहा मेरे से कि 112 पे BT मत करिए। मैं कहा क्यों ना करूं भाई, बोले मैं पलवल में कर रखा हूं। मैं कहा पलवल अलग हो गया और हमारी एरिया की जो पुलिस है, प्रशासन है, हम अपने एरिया में करेंगे, हम उनसे सहायता मांगेंगे। फिर हर्षित गुलाटी क्या कह रहा है कि लड़का तो बात करते हुए बल्लमगढ़ तक आया है मेरे से, हर्षित गुलाटी ने बोला ये बात। उसके बाद फिर भी नहीं माना, 112 पे फोन किया, वहां पे पुलिस प्रशासन ने फोन उठाया, उन्होंने बोला क्या हुआ है बताइए, पुलिस की क्या सहायता चाहिए। मैंने कहा मेरे बेटे को गोली मार दी किसी ने। इतने में पुलिस प्रशासन आ गई। The father alleges conspiracy. हाँ जी, अनिल कौशिक से बात हुई थी। अनिल कौशिक ने कहा कि गलती से मेरी गोली छटक के लग गई है। मैंने कहा चलो एक गोली छटक के लग गई, दूसरी गोली क्यों मारी गई फिर। और मेरा बेटा सबसे आगे बैठा हुआ सीट पे, पीछे जो तीन आदमी बैठे हैं उनको गोली क्यों नहीं लगी। आपको कह रहे गौ कसकर हैं, तो आप ड्राइवर को मारिए गाड़ी रुके, या टायर पे मारिए कि डायरेक्ट आपको कानून ये बना है, विधान बना हुआ है कि गौ रक्षक समझ के किसी को गोली मार दो। अनिल कौशिक से जवाब दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं निकला। इनको क्यों छोड़ रखे हैं जो साजिश बनाए, इनको ले गए, पुलिस को, प्रशासन को, सबको गुमराह किया। क्यों गुमराह किया, असलियत बता देते कि भाई ऐसी गोली चल रही थी और बच्चे तुम्हारी गोली लग गई। आज तक मेरे से मिलने नहीं आ रहे हैं, भागे घूम रहे हैं मकान में ताला लगा के, और हमारे पैसे देने के नाम लेता हूं, पैसे भी नहीं दे रहे। हमारे पास अग्रीमेंट कहो तो अग्रीमेंट भी दिखा सकता हूं, सब कुछ लिखा हुआ है बाकायदा, हमारे पास पूरा प्रूफ है। यहां के मकान हमें डाउट ये खा रहा है हर्षित गुलाटी के ऊपर कि 112 पे मुझे BT करने के लिए क्यों मना किया। हो सकता है गौ कसकर वाले जो बता रहे हैं अनिल कौशिक से, इनका सबका कोई संगठन ना हो कि गौ रक्षक में आ जाएगा
तो ये छूट जाएंगे और मैं तो बाकायदा बाहर घूम रहा हूँ। इन तीनों को अरेस्ट क्यों नहीं किएगा?